दतिया वाले गुरुजी के नाम से जो दंदरुआ धाम में जाने जाते हैं, पूज्य गुरुजी के द्वारा आज के दिन हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करने के साथ साथ दंदरुआ धाम के चमत्कार भी जानेंगे कि किस तरह से चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा अपने चमत्कारों से भक्तों को चमत्कृत कर रहे हैं। पूज्य पंडित श्री श्याम बिहारी गुरुजी से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, आइए सुनते हैं पूज्य गुरुजी से। गुरुजी, दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई सारे भक्त लोग आपको कल के दिन देखने जा रहे हैं, उन भक्तों से दंदरुआ सरकार मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोलिए, दंदरुआ सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज आपने हमसे श्री दंदरुआ हनुमान जी के बारे में पूछा, बड़ी खुशी की बात है। दंदरुआ हनुमान जी यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व से विराजमान है, ऐसा यहाँ के लोग यहाँ का इतिहास बताते हैं। दंदरुआ हनुमान जी महाराज डॉक्टर हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं। पहले कुछ समय पहले हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ फोड़ा फुंसी यदि किसी को हो जाए तो यहाँ पर जो है 5 फेरी लगवा देते थे, फोड़ा फुंसी ठीक हो जाती थी। इसलिए ना पहले खतियन के हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज हनुमान जी ने अपना जो है जो चिकित्सा का एक विशाल रूप बना लिया। आज फोड़ा फुंसी से लेके टीबी कैंसर तक के इलाज यहाँ उनके आशीर्वाद जल और भभूत से होते हैं। एक होती है होम्योपैथी, एक होती है एलोपैथी, एक होती है आयुर्वेद, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज जो हैं वो सिंपैथी चला रहे हैं। इस सिंपैथी के माध्यम से हजारों रोगी यहाँ से अपने रोग से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त होकर जाते हैं। जिसके संतान ना हो, संतान बीमार हो तो बीमारी दूर होती है, धन की कमी होती है तो धन की कमी को दूर करते हैं। ये सब क्यों कि हमारे रामायण में लिखा है, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। माता जानकी ने इनको ऐसा वरदान दिया जिससे हम हर प्रकार के जो है कष्टों का निवारण श्री हनुमान जी महाराज से कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज यहाँ दर्द हरुआ नाम से माने जाने जाते हैं। तो इनके बारे में एक कवित है कि दर्द के हरैया करैया, सुख शांति के नैया के खिवैया, ददरुआ सरकार हैं। पीर के मिटैया धरैया, मन धीर के सेवक रघुरैया, के पवन के कुमार हैं। देश में विदेश में भिन्न भिन्न वेश में, नित नए परिवेश में खोज करने हार हैं। बने राम दूत जाकी जल और भभूत, श्याम दोष रोग भूत वादा करत छार छार हैं। यहाँ पर विशाल मंदिर श्री हनुमान जी महाराज का है और उनके सामने श्री राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है। करुणा के निधान संग लक्ष्मण बलवान हैं, वे बीच शक्ति जानकी जू हमारी हैं। सन्मुख हनुमंत अनंत बलवंत भारी है, प्रणत के प्राणन की करत रखवारी है। सिद्ध प्रीत भैरव सब बाधा निवारत हैं, समारत बिगरी जो कलि ने बिगारी है। भोले से भोला भरे दौलत से झोला, दुर्गति की नाशनी जग की महतारी है। इसी प्रकार से महाराज हमारे दंदरुआ सरकार कलयुग में प्रधान हैं और कलि के कृपालु जो बिगरो समारत भाल, भभूत को कमाल खात होत माला माल हैं। यहाँ ग्रहों के काटत जाल, ग्रह के सुधारत हाल, जाकी कृपा से होत लाली के लाल हैं। दंदरुआ हनुमंत लाल पीर जो हरत हाल। और यहाँ के महंत श्री रामदास जी महाराज हैं, महंत रामदास श्री लाल जू के लाल हैं। हट जात अकाल काल,
दर्शन करते हाल, श्याम सबको रखे ख्याल, उनको कमाल है। और ये स्थान कहाँ है आपको हम दो शब्दों में बताएं। निज भारत देश में, प्रिय मध्य के प्रदेश में, ब्राह्मण के बेस में नरेश प्रगटाए है। हमारे महाराज श्री रामदास जी महाराज का बचपन का नाम राम नरेश था। तो ये कहाँ, ये इनका जन्म स्थान कहाँ है? बोले मड़रौली ग्राम में, भिंडी ऋषि धाम में, ददरुआ ग्राम में महंत बन आए हैं। करें सेवा हनुमान की, राम लखन जान की, गुरु कृपा निधान ज्ञान की, रामदास जू कहाए हैं। सरल से संत कृपालु अनंत श्याम, उर्मे आशीष हनुमंत के समाये है। महाराज गुरुदेव महान श्री रामदास जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोगों को जो है रोगों का निवारण हो रहा है, और हनुमान जी की कृपा से यहाँ लोग दुखी, दरिद्री, निसंतान किसी भी प्रकार के लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। महाराज जी देखा जाए तो इधर ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान के दरबार में कहाँ कहाँ से भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग तो आते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इस प्रकार से हमारे चारों तरफ से, चारों दिशाओं से हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और उनकी जो पीड़ा है, उनका दर्द है, वो हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। और इनका कोई प्रचार प्रसार किसी माध्यम से नहीं होता है, यहाँ तो उनके खुद की कृपा है। जो व्यक्ति आता है वो ठीक हो जाता है, जब ठीक हो जाता है तो लोगों को बताता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे चारों तरफ फैल रही है। इसलिए तो गोस्वामी लिखा है कि चारों युग परताप तुम्हारा, और है प्रसिद्ध जगति उजियारा। हनुमान जी महाराज स्वयं में प्रसिद्ध हैं, और डॉक्टर हनुमान जी ददरुआ धाम जो भिंड जिले में है, ये 500 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ पर जो है जो भी आता है, सबके दुख हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। ददरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी महाराज का जो नाम है ददरुआ, उसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर इनका नाम ददरुआ क्यों पड़ा? ये ददरुआ दर्द हरुआ, ये दर्द के हरने वाले हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए ना दर्द हरुआ कहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अभ्रंश होकर के ददरुआ हो गया है। तो आज हम पूरा गांव पूरा ददरुआ धाम के नाम से जानने लगे हैं। ये हमारा दर्द हरुआ हनुमान जी की कृपा से इस गांव का नाम भी ददरुआ हो गया है। देखा जाए तो प्रत्येक मंगलवार को लगभग कितने भक्तों का जनसैलाब ददरुआ धाम में आता है? यहाँ पर सवेरे 4 बजे से दर्शनार्थी हमारे भक्त लोग आने लगते हैं, और हनुमान जी की कृपा से लगातार रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक इस प्रकार से दर्शन होते हैं। तो लगभग लगभग यहाँ 1-1.5 लाख दर्शनार्थी तो निश्चित रूप से ही दर्शन करते हैं। कभी कभी 2-2.5 लाख तक के यात्री दर्शन भक्त लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। जी महाराज जी, आप दतिया में निवास करते हैं, तो दतिया से जो भक्त लोग जैसे बाहर से आना चाहते हैं, YouTube चैनल के माध्यम से जो सूचना उन तक पहुंच रही है, दतिया से किस तरह से मार्ग सुगम ददरुआ धाम के लिए होता है, उसके बारे में भक्तों को बताएं। देखिए, यदि दतिया से आना चाहते हैं तो दतिया से श्यावड़ा, श्यावड़ा से मोह मार्ग होते हुए ददरुआ आते हैं। लगभग 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर का रास्ता। क्या यह रास्ता बस के द्वारा पूरा तय किया जाता है? हाँ, ये रास्ता ददरुआ जो है दतिया से ददरुआ तक बस से आता है, रास्ता तय होता है। श्यावड़ा तक तो बहुत सी बसें चलती हैं, फिर श्यावड़ा से मोह भी बसें चलती हैं, और मोह में से फिर भिंड वाली बसें चलती हैं। इस प्रकार से कभी कभी यदि किसी को एक बस ना मिले तो टुकड़ों में भी यात्रा होती है और ददरुआ सरकार के दर्शन होते हैं। महाराज जी, कोरोना काल में अंतिम संदेश दें, जो भक्त लोग ददरुआ धाम में दर्शन करने आ रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश ही नहीं, अब तो सभी प्रांत, सभी देशों में कोरोना का विकट संकट छाया हुआ है। इस समय में
जो भक्त लोग दर्शन करने आ रहे हैं वह क्या क्या सावधानियां बरते हैं मंदिर दर्शन करने हैं? तब देखिए, कोरोना काल में जो भी व्यक्ति दर्शन करने आते हैं दर्शनार्थी, उन्हें मास्क जरूर लगाना चाहिए और मास्क लगाकर जो है 2 गज की दूरी में रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है जो भी दर्शनार्थी आएँ वो मास्क जरूर लगाएं और मास्क लगाने के बाद भी 2 गज की दूरी में रहें, वहाँ पर किसी से स्पर्श न करें, हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। हनुमान जी महाराज सभी बीमारियों को दूर करने वाले हैं, राम कृपा नाशा है सब रोगा, जो यह बात बने संयोगा।